तो लास्ट क्लास हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स एंड आई होप तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लिया सारा एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। प्रेजेंटेशन क्लियर है, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को वो भी क्लियर है। इफ यू विल फॉलो दैट अप्रोच आपका कभी भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन एक तो गलत नहीं होगा एंड सिली मिस्टेक का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो जस्ट डू फॉलो द स्टेप्स जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। अभी देखो थोड़ा और रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं सो दैट वी गेट अ गुड ग्रिप ऑन द चैप्टर। एक बार अपना स्टडी मेट कवर हो जाएगा देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंपाइलर। स्टडी मेट में आएंगे सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग द एंटायर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देन सर्टेन इलस्ट्रेशंस। फिर आज इतना ही टाइम परमिट करेगा। लास्ट क्लास एक होमवर्क था कंपाइलर का, उसमें किसी को डाउट है क्या? ओके okay. ये वाला एडजस्टमेंट नंबर एफ में किसी को डाउट है? और किसी का कोई डाउट? कुछ भी लिख सकता है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, गलत नहीं है उसमें, ठीक है। एक बार जस्ट टैली कर लेना, मैं आप लोग को डिक्टेट कर देता हूं। आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ श्री रघुराम। रघुराम का बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जहां पे आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा 3,20,000, नेट परचेजेस 11,82,000, देन डायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज फ्रेट 62,000, क्लियर है। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स दैट इज नेट सेल्स 14,76,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000, सो यू गॉट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,22,000। आपका इस क्वेश्चन में जीपी आया होगा 3,22,000, यही जीपी आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया। पहले डिस्कस कर लेते हैं आपने पीएनएल के क्रेडिट में क्या लिखा। एक ही आइटम है दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड 12,000। अब डेबिट साइड का डिस्कशन करते हैं। एक तो लिखा होगा आपने सैलरीज 72,000, रेंट फॉर गोडाउन 60,000, जहां पे 55,000 एज पर ट्रायल बैलेंस है एंड 5,000 आउटस्टैंडिंग है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,200, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 16,200 मैच हो रहा है। किसी का भी प्रॉब्लम रहेगा बोलना, अपन पॉइंट पे डिस्कस करेगा। देन नेक्स्ट रेंट्स एंड टैक्सेस 24,000, डिस्काउंट अलाउड 7,500, कैरेज आउटवर्ड 8,500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800। इस पॉइंट में दिक्कत है किसी को? हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट दिखता है। देखो आपने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर ट्रायल बैलेंस पे किया है 48,000, ठीक है। अब नीचे सर्टेन एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ है, क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 42,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ। प्रोप्राइटर का लाइफ के लिए बिजनेस ने पे किया, दैट इज इट इज अ ड्रॉइंग्स, तो वो मेरा एक्सपेंस में काउंट नहीं होगा, कैपिटल से माइनस होगा। तो हम लोग क्या करेगा, यहां से 42,000 माइनस कर देगा, द बैलेंस विल बी 6,000। अब ये 6,000 बिजनेस से रिलेटेड है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस, बैलेंस का मतलब 6,000, कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। 1 अप्रैल से 30 जून को कवर कर रहा है, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च। दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, ये 3 months prepaid है। The 6,000 premium, I can say we have paid for 15 months. अप्रैल से लेके 30 जून तक 15 months होता है। We have paid the 6,000 for 15 months. तो 3 months का prepaid यदि minus कर दे, we will get the expense for current year. तो 6,000 divided by 15 into 3. प्रीपेड आया 1,200 रुपए,
तो यदि प्रीपेड माइनस कर दोगे 6000 से तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस कितना रहेगा? 4800 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। वो जो पंद्रह महीना वो 6000 देंगे। हाँ टोटल 6000 सॉरी टोटल पंद्रह महीना टोटल 15 महीना का 6000 है। 42 नहीं है ना? नहीं 12 मंथ्स का 4800 हो गया और 3 मंथ्स का 1200 हो गया। क्लियर है ये चीज? देन डेप्रिसिएशन 80,000 जनरल एक्सपेंसेस 11,000 बैंक चार्जेस 3,800 इंटरेस्ट ऑन लोन 4,400 प्लस आउटस्टैंडिंग 100 तो 4,500 मोटर कार एक्सपेंस 13,000 सो यू विल गेट अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,700 इतना ही आइटम्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लोन जो है वो तो बैलेंस शीट में जाएगा सीधा पीएनएल में क्यों आएगा? सिली मिस्टेक। इसीलिए जो स्टेप्स बताया वही फॉलो करो। क्लियर है? देन आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 14,85,200। क्लियर है? जिसमें कैपिटल का बैलेंस होगा 13,58,100 Is it clear? So that was the question number one of our compiler जो May 18 में 20 marks का आया था। ठीक है? For 20 marks if you devote around 35 minutes में हो जाता है ये question। उससे ज़्यादा नहीं लगता यदि आप step by step जाओगे तो। इतना बहुत ज़्यादा complicated adjustments भी नहीं था except fire insurance। वो भी complicated नहीं था, basic था। Clear है? आओ, अब अपन करता है practical question of our study mat। सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु वर पेड 30,000 पर मंथ इच इन द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019। टोटल कितना है वर्कर? 8 वर्कर। हर वर्कर को हमें कितना पे करना है? 30,000 पर मंथ। एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 The company raised salary by 10% to rupees 33,000 per month. Starting of the year ही हमने क्या किया? Salary को बढ़ा दिया 10% से. अब salary per month कितना pay करना है? 33,000 per month pay करना है. Clear? On 1st of October 2019, the company hired 2 trainees at a salary of 21,000 per month each. मतलब दो और नए trainee को hire किया. October से hire किया तो उनका salary तो October से ही आएगा. The workforce are paid salary for on the first working day of every month. First working day मतलब हर महीना का 1 तारीख को मिल जाएगा. 1 month in arrears, 1 महीना का arrear रहता है, यानी outstanding. So that the employees receive their salary for January on the first working day of February. You are required to calculate the amount of salaries which would be charged to the P&L for the year ended 31st March 2020. पहले तो एक बात बताओ, आपको अलग अलग आइटम्स निकालना है। एक तो पीएनएल के आउटर कॉलम में कितना आएगा वो बताना है, फिर एक्चुअल में कितना पे किया है वो बताना है, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है करंट ईयर का वो बताना है। मेरे जो ये 8 वर्कर्स है ये तो पूरे 12 मंथ से, ठीक है, इनको पर मंथ 33,000 देना है, राइट, इनटू 8 वर्कर्स। कैन आई से देना तो हम लोग को 12 महीना का है, बट लास्ट जो फेब मार्च का सैलरी होगा वो कब देंगे हम? अप्रैल में, यानी 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। इतना तो आपने पे किया होगा ना, ये तो पे किया होगा ये करंट ईयर में, प्लस जो दो नए ट्रेनीज आपने हायर किए हैं अक्टूबर से, उनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 5 मंथ्स का पे किया होगा, 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, राइट,
तो उनको देना है 21,000 पर मंथ। टोटल कितने हैं? दो ट्रेनी फॉर द 5 मंथ्स, कितना पे किया होगा आपने? क्लियर? क्या बताओ, कुछ और पे किया है क्या ड्यूरिंग द ईयर? क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ और पे किया है क्या? यस, लास्ट ईयर वाला जो मार्च में आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में पे किया होगा ना आपने? इफ करंट ईयर का मार्च का सैलरी हम अप्रैल में पे करेंगे तो लास्ट ईयर वाला जो मार्च का सैलरी है वो भी तो हमने अप्रैल में पे किया होगा। लास्ट ईयर मेरे कितने थे? 8 वर्कर्स, 8 वर्कर्स थे, राइट? हर वर्कर को 30,000 करके देना था, 1 महीना का सैलरी रोक सका था। क्या चीज माइनस क्यों होगा? हमें पेड निकालना है, सैलरी एक्चुअली पेड। देखो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक तो पीएनएल में कितना दिखाओगे, एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया? वो तो करंट ईयर का सैलरी पीएनएल में, सैलरी एक्चुअली पेड जब मुझे निकालना है तो हमने दो चीज का पेमेंट किया है। एक तो 18-19 का सैलरी को पेमेंट किया है, लास्ट ईयर का जो मार्च का सैलरी था वो पे किया आपने। टोटल 8 वर्कर्स 30,000 करके उन लोग को सैलरी देता था हम लोग, 8 वर्कर्स 30,000 करके सैलरी देना है 2,40,000, राइट? देन करंट ईयर में हमने कितना पे किया? 8 वर्कर्स 33,000 पर मंथ करके फॉर 11 मंथ्स 29,04,000। फिर और 19-20 में दो ट्रेनी अपॉइंट किए थे हमने, कितने? सैलरी 21,000, उनको सैलरी देंगे 5 मंथ्स का करंट ईयर में, बिकॉज 1 मंथ का क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। टू लैख 10,000। तो टोटल सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पेड कितना है? 33,54,000। ये आपने सैलरी एक्चुअल में पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 19-20। और ये जो अमाउंट ऑफ सैलरी विच शुड बी चार्ज द पीएनएल फॉर द ईयर एंड इज दिस, वुड उसमें तो सर जो अपन लोग अप्रैल में मार्च में जो पैसे दिया था वो भी तो होगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में? वो तो सिर्फ पीएनएल अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आता है, तो करंट ईयर का जितना सैलरी है चाहे आपने पे किया चाहे नहीं किया उसको टोटल करो, दैट्स इट, कहानी खत्म। हां, तो यस, अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी यदि फॉर द ईयर 1920 आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालोगे? टोटल 8 वर्कर्स 33,000 पर मंथ करके 1 महीना का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्लस 2 वर्क ट्रेनीज 21,000 पर मंथ 1 महीना का आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल 3,06,000 आपका आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग का मतलब जो करंट ईयर में पे नहीं किया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सोचो, आप ऐसे दिखाओगे, आप दो तरीके से दिखा सकते हो। टू सैलरी एज पर ट्रायल बैलेंस आपने सैलरी कितना पे किया होगा? 33,54,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। इस टोटल पेड में 2,40,000 तो लास्ट ईयर का है, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, इतना वैल्यू हम लोग पीएनएल में शो करेगा।
34,20,000 समझ में आया? हाँ लास्ट ईयर वाला, हाँ करेंट ईयर का जो पेंडिंग है, मुझे तो करेंट ईयर का टोटल सैलरी शो करना है। करेंट ईयर में टोटल पेड इतना है, उसमें से लास्ट ईयर वाला माइनस कर दिया तो जो बचा करेंट ईयर का, प्लस जो करेंट ईयर में नहीं पे किया वो तो ऐड होगा ना पीएनएल में। हाँ इस तरीके से, आप चाहो तो इसका और एक तरीका है, हाँ दिखाना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। आप और एक तरीका कर सकते थे, टू सैलरी जो सिर्फ आपने करंट ईयर का पे किया है 29,04,000 प्लस 2,10,000 यानी 31,14,000 जो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है वो ले लो, प्लस आउटस्टैंडिंग 3,06,000 इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। पहला वाला तरीका जो था वो एनपीओ में करते थे आप, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, और दूसरा वाला तरीका नॉर्मल है, सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को शो कर दो। कौन सा? नहीं ये सिर्फ करेंट ईयर का जो पे किया उसको ऐड कर दिया। क्योंकि जब मुझे पीएनएल में एज पर अक्रूअल बेसिस से करेंट ईयर का ही शो करना है तो करेंट ईयर का पेड वाला उठा लिया। जब टोटल पेड दिखाओगे तो आपको पुराना वाला माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बड़ा क्वेश्चन ही मिले, 15 मार्क का 20 मार्क का 10 मार्क का, छोटे क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो तो छोटे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? ये बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट ही तो है, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गया ये। क्लियर? समझ में आया ये आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। यार ये तो हम नहीं कर रहे, ये फटाफट तुम लोग करके बताओ, इतना पिद्दू सा क्वेश्चन के लिए हम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये तो तुम लोग का छोटा भाई बहन ही कर देगा, जो बेचारा 4-5 में होगा वही कर देगा। अब तो इससे इजी क्या होगा? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट दिया है। बाप रे इतना टफ क्वेश्चन, पसीना निकलने लग गया। नीचे में एडजस्टमेंट में क्या दिया है? द इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 10 लाख, मतलब ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, तो पहले एक बार हम लोग ट्रेडिंग में दिखाता है और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में, ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। और ये स्टेप भी नहीं पता कि जब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है सबसे पहले मार्कडाउन कर लो कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में और कौन सा डायरेक्ट बैलेंस शीट में। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, ओहो भैया ये तो एसेट होता है। इन्वेंट्री, ये तो हर कोई को पता है, 1 अप्रैल लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा। कैश इन हैंड, भैया ये तो एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा।
बिकॉज ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट बैलेंस होता है वो या तो एसेट होगा या फिर एक्सपेंस होगा। वेजेस वेजेस, ओहो इसमें सिली मिस्टेक कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे इसको पीएनएल में लिख देंगे, बट वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज एंड वेजेस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेयर इज वेजेस एंड सैलरी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान रखने का। तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, बैड डेट्स एक्सपेंस है पीएनएल में जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्स्चर एसेट है बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, ओले ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ सिंगल इंपैक्ट होगा पीएनएल। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो फिर से फर्नीचर एंड फिक्स्चर से माइनस करके मत दिखा देना डेप्रिसिएशन, इट इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट मींस इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम एसेट्स, तो सिर्फ पीएनएल में जाएगा। सैलरीज पीएनएल, परचेज ट्रेडिंग प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, ठीक है, उसके बाद में कैपिटल बैलेंस बैलेंस शीट, ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग। इट विल हार्डली टेक योर 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, तो फटाफट ड्राफ्ट करने का। कॉमा का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, तो सेल 17 लाख नहीं, 0 ही आएगा। परचेज के अंदर टाइपिंग एरर होगा बुक में शायद, ये 12,50,000 हो जाएगा। फटाफट करो इसको, तो सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे आप एक्सपेंस से रिलेटेड बात कर रहे थे और यहाँ पे इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। मिस्टर कोटरीवाल इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स, सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31st March 2020 हैज बीन गिवन बिलो। On 1st April 2019, he had a balance of 2 lakh advance from customer. यानी last year ही लोगों ने advance दे दिया था, तो ये current year की income में count होगा, of which 1,50,000 is related to the year 1920. यानी मेरा current year से related 1,50,000 है, आपको total in the year 1819, in the year 1819, you received a total advance of 2 lakh, जिसमें से 1,50,000 इज रिलेटेड टू 1920 एंड 50,000 इज रिलेटेड टू 2021, तो वी हैव टू प्रिपेयर और कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 1920, वी आर इन द ईयर 1920, लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो करंट ईयर का इनकम में काउंट होगा, राइट तो ये 1,50,000 मेरा करंट ईयर का इनकम में काउंट होगा। During the year 1920, he made a cash sales of 5 lakh. Current year में हमने cash sales किया है 5 lakh. तो ये भी मेरा current year का cash sales है, तो income में आ जाएगा। You are required to calculate total income for the year 1920. Total money received during the year, if the closing balance in advance from customer account is 1,70,000. अब पहले देखो क्लोजिंग बैलेंस निकालना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। नाउ सी लास्ट ईयर, एडवांस एट बिगिनिंग कितना है, इट्स 2 lakhs एडवांस एट बिगिनिंग है। इसमें से करंट ईयर में आपने इनकम मान लिया कितना, 1,50,000, तो यहां से एडवांस से हटा दूं, माइनस कंसीडर्ड इनकम फॉर 1920 1,50,000, हाँ सेकंड पार्ट के लिए, तो अभी भी आपके पास एडवांस पड़ा है कितना, यह है एडवांस फॉर 2021,
or I can say advance balance. But actual advance balance कितना है? क्लोजिंग एडवांस बैलेंस है आपके पास, ये भाई 170 कैसे हो गया? इसका मतलब करंट ईयर में भी आपको एडवांस मिला होगा. लास्ट ईयर यदि मुझे एडवांस मिला था 2 लाख, उसमें से 1,50,000 तो करंट ईयर में मैंने एडजस्ट कर दिया और 50 चल रहा है मेरे साथ नेक्स्ट ईयर तक. अब क्वेश्चन बोल रहा है योर क्लोजिंग एडवांस बैलेंस इज 170, तो 170 पहुंचा कैसे होगा? एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हुआ ना, तो कैन आई से एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000. क्लियर है? क्वेश्चन इज आस्क्ड मी, एक तो ये निकालो, क्या निकालो? टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला होगा आपको? एक तो कैश सेल्स 5 लाख का जो किया है वो, प्लस एडवांस 1,20,000 का रिसीव हुआ ड्यूरिंग ईयर, तो टोटल इतना पैसा ही तो आपको करंट ईयर में बैंक अकाउंट में आया होगा कंपनी का. रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? कैश. एक्चुअल में तो कैश आपके पास इतना ही आया है ना, क्यों होगा? एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आपसे रिसीव पूछा है, और जब रिसीव पूछता है मतलब एक्चुअल कैश रिसीव कितना हुआ है. कैश सेल्स किया वो तो करंट ईयर में रिसीव हुआ है, फिर करंट ईयर में रिलेटेड टू द फ्यूचर कितना रिसीव हुआ? 120. तो टोटल रिसीव तो 620 हुआ है ना. अब आपको निकालना है टोटल इनकम फॉर द ईयर. टोटल इनकम फॉर द ईयर कितना है? एक तो कैश सेल्स 5 लाख का तो कैश सेल्स किया तो करंट ईयर का इनकम है ही, प्लस लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था उसको करंट ईयर इनकम मानेंगे. कौन सा 5 लाख प्लस 2 लाख? क्यों टोटल ये 5-2 लाख जो तुम बोल रहे तो पिछला साल ही मिल गया था. रिसीव का मतलब क्या होता है? करंट ईयर में कितना पैसा तुम्हारे बिजनेस में आया, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से चलता है. ये 2 लाख तो मेरे को 18-19 में मिला था ना, इधर टोटल मनी रिसीव्ड में. सुनो, सुनो, फाउंडेशन का एक बच्चा है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, पहले ही मुझे 2 लाख रुपए एडवांस फीस दे दिया था फाउंडेशन में, राइट, फॉर इंटर एंड फाइनल. इंटर मेरा नेक्स्ट स्टेज, फाइनल उसके बाद, राइट. ये लास्ट ईयर ही काम फाउंडेशन लेवल पे काम हो गया होगा. फाउंडेशन है सपोज मेरा 18-19, इस ईयर मैंने फाउंडेशन करवा रहा था, तो इस ईयर मेरे पास 2 लाख रुपए एडवांस आ गया, सर्टेन मनी फॉर द इंटर एंड सर्टेन मनी फॉर द फाइनल, ठीक है. तो ये तो मुझे इंटर के टाइम मिलेगा क्या? इंटर इज माय सपोज करंट ईयर 19-20. करंट ईयर में नए स्टूडेंट्स फॉर द इंटर एनरोल हुए और उन्होंने मुझे पैसा दिया 5 लाख, ये तो मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है. फाउंडेशन में जिन्होंने 2 लाख दिया था ना, उसमें से 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट था जिन्होंने बोला कि भैया 1,50,000 तो हम लोग इंटर के लिए फीस दे रहे हैं और 50,000 हम लोग फाइनल के लिए फीस दे रहे हैं. बताओ ये 1,50,000 करंट ईयर में रिसीव हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना.
ठीक है, तो 1,50,000 लेकिन मेरी करेंट ईयर की इनकम तो होगी, तो मेरा टोटल इनकम फॉर द ईयर कितना हो गया, 6,50,000। तो वही तो टोटल इनकम है, कैश सेल्स प्लस एडवांस एट बिगिनिंग 6,50,000, ये मेरा करंट ईयर का इनकम। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको करंट ईयर में कैश कितना रिसीव हुआ है, करंट ईयर में कैश कितना रिसीव हुआ है, जो कैश सेल्स किया वो तो कैश रिसीव हुआ ही है, ये यहां एडजस्ट हो गया तो बैलेंस बचा कितना 50,000 एडवांस में, बट क्वेश्चन बोल रहा है एडवांस में बैलेंस है कितना 170, तो इसका मतलब 120 और मिला होगा ना करंट ईयर में, तभी तो मेरा एडवांस का बैलेंस, मतलब करंट ईयर में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट इंटर वालों ने क्या किया, मुझे 1,20,000 रुपए और दे दिया, बट दिस इज रिलेटेड टू फाइनल। तो मेरा देखो एडवांस, एडवांस का टोटल बैलेंस कितना हो गया 170, कैश रिसीव्ड कितना है दिस प्लस दिस इन द करंट ईयर, और करंट ईयर का इनकम कितना हो गया दिस प्लस दिस, आया समझ में, तो यही तो था यहां पे। क्लियर? छोटा छोटा क्वेश्चन कभी भी मरा सकता है एग्जाम में, बहुत फर्क है। टोटल मनी रिसीव्ड इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेयर इज टोटल इनकम का मतलब करंट ईयर अक्रूअल बेसिस, इवन आउटस्टैंडिंग भी कुछ होता तो वो ऐड होता, बट मनी रिसीव्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं होता है ना। हाँ हाँ, उसे कोई मैटर नहीं कर रहा था, उस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। समझ में आया? ऐसे हलवा क्यों बना हुआ चेहरा? नहीं मतलब कि जो टोटल मनी रिसीव्ड है वो आपका एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, और जो टोटल इनकम है वो करंट ईयर का इनकम, उसमें रिसीव्ड ड्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें नेक्स्ट ईयर मतलब जो इनकम हुआ वो और जो रिसीव हुआ वो मतलब दोनों अलग-अलग है, दोनों अलग है। अगर उसमें एक्चुअल बेसिस पे लेते तो वो एडवांस 1,20,000 कहां पे, वही टोटल मनी रिसीव वाला नहीं, अक्रूअल से क्यों होगा, जब करंट ईयर में रिसीव हुआ है तुमको तो खत्म ना। अरे तुम ऐसे कर सकता था, टोटल इनकम को और एक तरीके से निकाल सकते थे आप, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, और 6,20,000 प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड 1,20,000, ये भी कर सकते हो आप। टोटल रिसीव में से जो रिलेटेड टू फ्यूचर है वो हटा दिया, और जो प्रीवियस ईयर मिला था रिलेटेड टू द करंट ईयर उसको इंक्लूड कर लो। अरे यही कंसेप्ट है जो एनपीओ में सीखे हैं, एडवांस एट बिगनिंग, एडवांस एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड। अभी भी नहीं समझा तो समझा, तो समझाओ। टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920, पॉकेट में कितना आया बिजनेस का, वो भी ऐड होता। रिसीव का मतलब रिसीव्ड, इट डज नॉट मैटर फॉर विच ईयर इट इज रिलेटेड, चाहे वो 1920 का हो, चाहे 2021 का हो, 21-22 हो, 18-19 हो, 17-18, किसी भी ईयर का हो, रिसीव मीन्स रिसीव्ड। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इनकम, दैट मीन्स ओनली फॉर द करेंट ईयर। हाँ क्लियर है ये? सबका डन है ये? नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी 5 मिनट्स, पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर अपन साथ में करेगा, देखता है किससे हो पाता है किससे नहीं। सॉल्यूशन का मदद नहीं लेगा
ठीक है, स्टार्ट करो, देन आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. नाउ सी, जिसका हो गया वो मैच करना. देखो इस क्वेश्चन में आपके पास फिल इन द ब्लैंक से निकालना है, तो थोड़ा सा फोकस करो. योर क्रेडिट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेबिट साइड होता है टोटल. तो यहाँ का टोटल कितना होगा? 60 लाख ही होगा. ठीक है, ये चीज क्लियर है. दूसरा देखो, कमीशन का वैल्यू दिया हुआ है. कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%. और कैसे निकाला हमने कमीशन? ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग. कमीशन के पॉइंट में, बिफोर चार्जिंग में हम लोग कमीशन कैसे निकालते हैं? कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100. नाउ वी हैव कमीशन 2 लाख. We don't know net profit before commission into 10/100. तो इसको solve करेंगे, we will get net profit before commission 20 lakhs. Yes. तो it is before commission, commission minus कर देंगे तो we will get net profit 18 lakh. जब debit side का total तुम्हारा कितना है? 60 lakh है. तो 60 लाख में से 18, 2 लाख, 13, 26 माइनस कर दो, यू विल गेट सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख आ गया. इधर बचा तो ये एक ही था ना, टोटल आपको पता है. अब सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 1% ऑफ टोटल सेल्स. यानी आई कैन से सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेल्स का 1%. तो सेल्स कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1%, 10 लाख, या 1 करोड़. 1 करोड़ सेल्स आ गया, 1 करोड़. अरे सेल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100% 1 लाख. कितना आ गया सबका? 1 करोड़ आया. सेल्स आ गया 2, 2, 6, 1 करोड़. बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख. ये 55 लाख आपका इधर आ जाएगा, तो मिसलेनियस इनकम 5 लाख. खत्म. इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? समझे? एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये आपका, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड आपको निकालना आना चाहिए था. क्लियर है ये चीज? फिर भी नहीं किया था. बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए. सब बेसिक्स में ही गड़बड़ी है तुम्हारा. गड़बड़ी से ज्यादा मेहनत, पेशेंस. Let's understand. देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना एग्जाम में आ जाता है, फिर आ जाता है तुम लोग हलवा हलवा करते हैं, क्या आ गया, कहां से पूछ लिया. आपको समझना पड़ेगा कि प्रोविजंस क्या होता है और रिजर्व्स क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय प्रोविजन? प्रोविजन मतलब वो जो हम लोग सेट असाइड करते हैं अपना, मतलब वो पैसा जो अपन सेट असाइड करते हैं कि हमको फ्यूचर में लॉस होने वाला उसके लिए. एक होता है प्रोविजन और एक होता है रिजर्व. राइट, करेक्ट बोलो. प्रोविजन इज एन, it is a charge against the profit. और ये क्या? It is a appropriation of profit. चार्ज का मतलब होता है बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, स्टिल यू कैन क्रिएट प्रोविजन. Whereas appropriation का मतलब होता है जब प्रॉफिट होता है तभी आप appropriation करते हैं. मतलब इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट यू कैन नेवर मेक रिजर्व्स, बट आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, यू कैन क्रिएट प्रोविजन. प्रोविजन इज नॉर्मली मेड फॉर, इट इज मेड फॉर नोन लाइबिलिटीज.
एंड कैन बी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड टू अप्रोक्सीमेशन. कैन बी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड टू अप्रोक्सीमेशन, मतलब जैसे कि सपोज आपका लास्ट ईयर टोटल डेटर्स था 1 लाख, उसमें से 5% ने पैसा नहीं दिया, तो मतलब कितना 5,000 डूब गया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट पास्ट करेंट ईयर के आपके जितने भी डेटर्स हैं, यू कैन अज्यूम कि नेक्स्ट ईयर और कितना डूब सकता है. थोड़ा सा ऊपर नीचे कैलकुलेशन होगा, बट साइंटिफिकली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल जाएगा. इफ तुम्हारा बिजनेस का ट्रेंड है कि टोटल डेटर में से 5% पैसा तो डूबता ही है, तो यू विल क्रिएट लॉस. उस लॉस के लिए आप प्रोविजन बनाओगे, उसके लिए आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. रियर क्रिएट, लेकिन रिजर्व, जैसे कि आपको एक बिल्डिंग रिजर्व बनाना है. एग्जाम्पल बिल्डिंग रिजर्व, तो एक बात बताओ, बिल्डिंग रिजर्व के लिए कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा क्या? जित प्रॉफिट होगा तो तुम सेविंग्स करेगा, जितना सेविंग होता जाएगा उतना अच्छा ना, उतना ज्यादा महंगा और बड़ा बिल्डिंग ले पाएगा तुम, तो इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है. ये तो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर में. आई बात समझ में? तो आपको ट्रांजेक्शन देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोविजन है, कौन सा रिजर्व में जाएगा, और कौन सा ना तो प्रोविजन है और ना ही रिजर्व है. ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन, इट इज अ प्रोविजन पक्का, बिकॉज ये तो नोन है ना, होना ही है, तो वी विल प्रोवाइड इट इन द बुक्स. तो ये मेरा प्रोविजन है. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रोविजन वो है जो फ्यूचर में होने वाला लाइबिलिटी के लिए हम लोग पैसा सेव करता है. राइट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या? बैड डेट्स हो चुका ऑलरेडी है, बस हम उसको पीएनएल से राइट ऑफ कर रहे हैं. फ्यूचर में होने वाला है क्या? ये तो हो ही चुका ना, जो इवेंट हो चुका उसके लिए आप लॉसेस के लिए पिगी बैंक थोड़ी बनाएगा. यस, ना तो प्रोविजन है और ना ही रिजर्व्स है. क्लियर है? तो ये जाएगा कैटेगरी सी में. ए में इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो अपने आप में लिखा हुआ इंक्रीज इन प्रोविजन, तो ये भी ए में जाएगा. प्रोपोज्ड डिविडेंड, मीनिंग क्या होता है? जब तक मीनिंग नहीं पता होगा हम तुक्का मारेंगे. प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं है, ख्याली पुलाव है. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ, उनको लगा कि हमारे पास प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, हमारे शेयर होल्डर को इतना रुपीस का डिविडेंड देना चाहिए. ये जस्ट उनका डिसीजन है. प्रपोज डिविडेंड हैज नो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये जस्ट प्रपोज किया, प्रपोजल है. जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे आपका आईसीआई का न्यू सिलेबस, इट इज प्रपोज्ड, इम्प्लीमेंटेड नहीं है. जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आप कुछ करेगा ना. राइट, सिमिलरली प्रपोज डिविडेंड जस्ट प्रपोज्ड है. जब तक शेयर होल्डर का कंसेंट नहीं मिलता और उसके बाद ये यदि फाइनल बन गया, देन इट विल बी अ लायबिलिटी. प्रपोज डिविडेंड इज नथिंग फॉर द बिजनेस, इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता. क्लियर है? तो या ना तो ये प्रोविजन है, ना ही आपका रिजर्व्स है. रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, यस, प्रॉफिट बचा के रखा है हमने, यानी फ्यूचर के, दिस इज रिजर्व, हमने रिजर्व कर लिया ये पैसा. लायबिलिटी फॉर टैक्स, यस, देना ही है टैक्स अगले साल, तो उसके लिए आप क्या करेगा, करंट ईयर में ही प्रोविजन बना लेगा. सो इट इज अ प्रोविजन. आया समझ में? व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट इज रिजर्व एंड प्रपोज डिविडेंड ध्यान में रहेगा. क्लियर है ये चीज? लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 12.
ये कर चुका क्या अपन एज इट इज? हाँ ये क्वेश्चन हम कर चुके अभी जस्ट मई 18 में जो क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था, तो ये आप लोग अब सेल्फ ट्राई करोगे एंड हो जाएगा आपसे, ठीक है? ठीक है आप लोगों ने ओपनिंग एंट्री सीखा था, मेरे को ये बताओ इसमें ओपनिंग एंट्री क्या होगा? लिखा था हमने नोट्स में ओपनिंग एंट्री क्या होता है, क्या होगा ओपनिंग एंट्री? अच्छा हाँ तो बोलो तो टोटल लायबिलिटी करके बताओ मेरे को, करके 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 बताओ, देखता हूं मैं कौन सही करता है कौन गलत करता है, लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है इसमें भी तुम लोग सिली मिस्टेक करेगा बट चीटिंग कोई नहीं करेगा, फटाफट करके बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन में सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं होता उन लोग क्या मिस्टेक करता है पता है? उन लोग करता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे उनका आंसर हो जाता है गलत। बिकॉज बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल्स आपका 1,88,000 है ना कि 181,800। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन रदर देन शोइंग प्रोविजन ऑन द लाइबिलिटी साइड हम लोग माइनस करके दिखाता है, तो प्रोविजन फॉर डेटर्स बोल के आपका लाइबिलिटी में क्रेडिट हो गया होगा, आप लोग डेटर्स को डेबिट करोगे 1,88,000 से, क्लियर है? इसको डेबिट नहीं करेंगे, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये डेबिट, ये डेबिट, उसके बाद प्रोविजन क्रेडिट होगा, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट एंड कैपिटल क्रेडिट, और आपका जर्नल एंट्री मैच कर जाएगा। इफ नहीं करता तो क्या होता? इफ आपका ओपनिंग एंट्री मैच नहीं होता तो देन व्हाट? लायबिलिटी ज्यादा है तो गुडविल, और एसेट ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, ठीक है। और स्टडी मेट का जो काम का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन यही इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो एक बार एग्जाम में भी इस टाइप का आया हुआ है ये करता है, उसके बाद वी विल कवर अप द एंटायर फाइनल अकाउंट्स, आपका बेसिक्स पूरा क्लियर रहेगा, जो प्रोसेस मैंने बताया वीडियोस देखना आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है? जिसका कोई भी डाउट रहेगा वो मेरे को पूछ सकता है पर्सनली, इज इट क्लियर? कंसेप्चुअली फाइनल अकाउंट इतना ही है, हम लोग को आगे क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करने रहेंगे, ये क्वेश्चन करता है सो दैट वी विल कम्स टू द एंड ऑफ फाइनल अकाउंट। The balance sheet of Thapar on 1st of April 2019 was as follows. Already balance sheet कौन सा date का दिया है बाबा? बाबा starting of the year का balance sheet दिया है, what is the requirement part? Year end का balance sheet बनाना है आपको, आई बात समझ में? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस शीट दिया है और ईयर एंड का बैलेंस शीट बनाना है आपको, इज इट क्लियर? क्लियर रिक्वायरमेंट तो रहेगा ही, उसके बिना कहानी होगा ही नहीं शायद। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में भी आया हुआ है, थोड़ा फोकस से। आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, यू हैव टू प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब मेरे को क्या करना है? साथ में करता है और रहेगा कंपाइलर में अपने पास क्वेश्चन, वहां से अपन करेगा। क्या बनाना है? बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020, ये आपका मेन सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये आपका क्या है, मेन सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, बाकी सब हम लोग एडिशनल वर्किंग नोट्स बनाएगा।
अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओपनिंग फिगर्स में आपके पास ट्रेड पेबल्स था, एक्सपेंसेस पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, इन्वेंटरी. ड्यूरिंग द ईयर 1920 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000. दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग. 15,30,000 रुपए का हम लोग नेट प्रॉफिट निकाला. कैसे निकाला? ये सब कंसिडर करके. Now see, interest on capital हम already minus कर चुके हैं. कितना interest on capital? कितना opening capital? 50,00,000 है. Interest on capital is always calculated on the opening capital. उस पे 6% 3,00,000 रुपए माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट आया. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. इन्वेस्टमेंट किधर आता? कैपिटल. हां ठीक है, 50,00,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% एंड फर्नीचर एंड फिक्स्चर एट द रेट 5%. वो आप माइनस कर चुके हो. देखो क्या है ये 15,30,000 कब आया है? After allowing for the following, मतलब ये सब consider कर चुके हम. तो depreciation कितना consider किया हमने? Machinery पे 10% बोले तो 3,00,000. 30,00,000 का यदि opening balance है plant and machinery का, 10% से depreciation करना है, तो 30,00,000 का 10% 3,00,000. नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्स्चर एट द रेट 5%. फर्नीचर एंड फिक्स्चर था 3,00,000 का, 5% बोले तो 15,000. इतना डेप्रिसिएशन हम लोग कंसिडर कर लिया होगा. अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स. हमने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी 14,00,000 का 5%. क्लियर? 70,000. ये सब करने के बाद मेरा प्रॉफिट आया बिजनेस का 15,30,000. क्लियर? बट व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगेटन टू प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग रुपीज दिस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. ओ माय गॉड, ये दो कंसिडर ही नहीं किया. इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसिडर करता तो प्रॉफिट बढ़ता या कम होता? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी एक्सपेंस बढ़ाते आप. एक्सपेंस बढ़ाने से प्रॉफिट क्या होता? प्रीपेड इंश्योरेंस से प्रॉफिट बढ़ता या कम होता? प्रीपेड इंश्योरेंस से प्रॉफिट बढ़ता, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस आप माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना. प्रीपेड एक्सपेंस से एक्सपेंस रिड्यूस होता है तो इनकम ऑटोमेटिकली एड हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. वर्किंग नोट चाहिएगा मुझे. करेक्ट, नेट प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना है? 15,30,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. कितना नहीं कंसिडर किया आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? तो वो हटा देंगे तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसिडर करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना. एंड प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस को कम करता है. एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, तब तक करेक्ट प्रॉफिट कितना? 15,50 माइनस 180, 13,70,000. आया समझ में? दिस इज योर करेक्ट नेट प्रॉफिट, 13,70,000. इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो पता ही है, 50,00,000. फिर इसके अंदर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा जो आपने पीएनएल में शो किया है.
कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3 लाख रुपए। ड्यूअल इंपैक्ट नहीं हो? अरे एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल तो बढ़ाओगे ना, आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है तो कैपिटल तो वैल्यू और बढ़ जाएगा ना। एक्चुअल में बिजनेस पे थोड़ी करता है। हाँ, बैलेंस शीट 1 तारीख का है, 1 अप्रैल का। फिर पूरे साल भर जो ट्रांजेक्शन हुआ है उन सारे लेजर्स में प्लस माइनस होंगे ना। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 50 लाख, ये तो 1 अप्रैल का है। इससे लेके 31 मार्च तक पहुंचने के लिए सब कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा ना ड्यूरिंग द ईयर का। क्लियर है? फिर प्लस नेट प्रॉफिट 13,70,000। फिर एक देखो यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है ना। तो माइनस ड्रॉइंग्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, $60,70,000 का क्लोजिंग कैपिटल हो गया। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ता है, कुछ करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट ही बता रहे हैं। कब का बैलेंस है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, ट्रेड पेबल्स, ये ईयर एंड का बता रहा है। मतलब सब कुछ ड्यूरिंग द ईयर प्लस माइनस होके आ चुका है इसके अंदर, इनको ठीक नहीं करना। लेकिन बाकी जो एसेट्स है, यानी इसका क्लोजिंग बैलेंस पता है, इसका क्लोजिंग पता है, इसका पता है, इनका तो नहीं पता ना। इसमें क्या करेगा, ओपनिंग में 30 था तो ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन हमने किया है वो माइनस होगा 3 लाख का। तो प्लांट एंड मशीनरी $30,00,000 माइनस डेप्रिसिएशन 3 लाख 27 लाख। क्लियर है? फिर फर्नीचर एंड फिक्स्चर 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 15,000 2,85,000। बाकी जो जो क्लोजिंग वैल्यूज दिया है उसको डायरेक्ट डाल सकता है। इन्वेंट्रीज 14,50,000 राइट। ये तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है ईयर एंड का वैल्यू। ट्रेड रिसीवेबल्स 20 लाख। अब यहां पे भी मिस्टेक हो जाता है क्योंकि आप भूल जाते हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल के भी आपने एक बनाया है पीएनएल अकाउंट में। कितना था वो? 70,000 का प्रोविजन बनाया था आपने ड्यूरिंग द ईयर, तो वो माइनस करेंगे। पहले से और कोई प्रोविजन था क्या? और तो कुछ नहीं है ना। कैश एट बैंक कितना आएगा? 10,35,000। ट्रेड पेबल्स 11,40,000। भाई हम लोग जो ट्रेड रिसीवेबल का जो प्रोविजन बनाया है 20 लाख के जगह 14 पे बनाया। किस पे बनाया है? 20 के जगह 14 पे।
हाँ, ये ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू गलत बताया क्या तुम लोग? 20 लाख पे 5% बनेगा, 1 लाख होगा ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ओपनिंग डेटर्स पे थोड़ी ना प्रोविजन बनेगा, वो तो क्लोजिंग डेटर्स पे बनेगा। क्लोजिंग डेटर्स है 20 लाख, उस पे 5% प्रोविजन 1 लाख होगा। यही तो पीएनएल में शो किया होगा आपने। ईयर एंड में तो ग्रॉस वैल्यू रहता है ना, अभी तो तुमने एक ओपनिंग एंट्री पास किया था, वो तो प्रेजेंटेशन के लिए तुम लोग ऐसा करते हो। बुक्स में तो डेटर्स 20 लाख ही होगा ना, बुक्स में तो डेटर्स 20 लाख के ही होंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन कितना माइनस होगा? क्लियर है यहां तक? और क्या बाकी रह गया? देखो एक एक आइटम करके आइटम देखेंगे। ये हो गया, देखो दिस डन 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 डन, ये भी डन, ये भी डन। एक्सपेंसेस पेबल, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो तो करंट ईयर में पे हो चुका होगा। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग था वो तो करंट ईयर में पे कर दिया होगा हमने। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,80,000। एसेट साइड में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,80,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, छोटा सा क्वेश्चन 10 मार्क का, सोचो। ये समझ में आया? क्लियर है? और कोई आइटम बचा है क्या? ये तो पहले ही डन 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 डन, सब कुछ डन। तो बैलेंस शीट आपका मैच होना चाहिए। हाँ, कितना आया टोटल? टोटल 73,90। 73,90,000। That was the easiest of the question. ये था टास्क कर लिया होता। 5 मिनट का क्वेश्चन था ये। कौन सा 1 लाख कहाँ से है? प्रोविजन। प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द क्लोजिंग डेटर्स। तुम्हारा क्लोजिंग डेटर्स कितना है? 20 लाख का। देखो ट्रेड रिसीवेबल एज एट 31st March, तो 20 लाख का 5% प्रोविजन बनाना है, तो 1 लाख। क्लियर है ये कंसेप्ट? अरे यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, आपको ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजेक्शन को प्लस माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है एंड उसको चुपचाप बैलेंस शीट में पुट कर देना है। जो क्वेश्चन खुद क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, मतलब वो सारा सब कुछ एडजस्टेड है। आया समझ में? मगज मत ही गया। सो विद दिस वी कवर द एंटायर फाइनल अकाउंट्स विदाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, अब से मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का पार्ट बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे। योर टास्क, कुछ भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो आप पास्ट वीडियोस देख लेना, आपका अच्छे से क्लैरिटी से खत्म हो जाएगा एंड इजीली यू विल गेट 10-15 marks ऑफ अ फाइनल अकाउंट। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।